अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरिया हनीफ और आप लोगों के लिए फिर से लाई हूँ मज़े मज़े के सवाल। पहले मैं आपको सवाल बताती चलूँगी और मेरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने पर ही काम आती है। अगर आप हमारे सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन अभी मैं जाऊँगी लोगों के पास और जानूँगी कि उनको हमारे सवाल का जवाब आता है कि नहीं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी सवाल करेंगी आप? तो करती जा रही हैं आपको, मैं बड़ी इंटेलिजेंट लग रही हूँ, मैंने एक जवाब भी दिया आपको। कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या पता अगले सवाल का आप जवाब दे दें। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो टूटने पर ही काम आती है? फिर मुझे नहीं आता होगा, मुझे पता है मुझे नहीं आता। कौन सी चीज़ है जो टूटने पर काम आ सकती है? टूटने पर ही काम आ सकती है, कुछ भी, जज्बात। जज्बात टूटने के बाद काम के होते हैं या पहले? जज्बात पे ठेस पहुंचती है तभी वो काम के आते हैं, वरना उससे पहले तो जज्बात होते नहीं है। उसके अलावा कोई चीज है या क्या? आपका मतलब था कि जब ठेस पहुंचती है तब आपको पता चलता है कि ये जज्बात है। साथ ऐसा हम ना करें, कोई भी आपके साथ एक चीज़ हो चुकी है वो तब आप किसी को कैसे आइडिया दे सकते हैं, वरना अगर आपके साथ एक चीज़ आपने एक अभी आप ये काम कर रही हैं, अगर आप एक डाउन लेवल पे आपने काम नहीं किया तो आप किसी गरीब का एक जज्बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये एक चीज़ है, ठीक है, फीलिंग्स में से कुछ नहीं है, इमोशंस नहीं है। इसको ईगो आपके टूटे तो तब आपको समझ आती है, इसको ईगो आपके टूटे तो तब आपको समझ आती है। हमारा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो टूटने पर ही काम आती है? दिल। टूटने के बाद क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। दिल टूटता है तो बंदा फिर थोड़ा सीरियस होता है। पहले सीरियस नहीं होता? पहले बंदा का पहले मतलब कोई और भी कई चीजें टूटने के बाद काम आती है, लेकिन वो भाई बता नहीं सकते। नहीं, ये जवाब नहीं है हमारा, कोई और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो वो बता दे। सील। किसी भी जो डब्बे के ऊपर सील होती है वो टूटती है तो काम आता है डब्बा, कोई मोबाइल है जैसे उसका? नहीं, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल की सील भी नहीं। तो मैंने फिर बता दिया, दिल जो मेरे ज़हन में आता था वो मैंने बता दिया, अब आपके ज़हन में क्या है मुझे क्या पता। अच्छा, मेरे ज़हन की बात ही है, हमारे सवाल का जवाब ये नहीं था ना। मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो टूटने के बाद ही काम आती है, तो अब मैं आपको हिंट ये दे देती हूँ कि फीलिंग्स, इमोशंस और इन इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, ये एक चीज़ है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। टूटने शीशा। शीशा टूटने के बाद तो बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं रहता। मुझे नहीं समझ आ रहा इसका। सोचे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम तोड़ते हैं तभी उसका इस्तेमाल हो सकता। कौन सी ऐसी चीज है टूटने के बाद काम आ जाती है? कोई हिंट नहीं है छोटी? अभी तो हिंट दिए, इट्स एन ऑब्जेक्ट, यही तो बहुत बड़ी हिंट थी, टूटती है तो काम आती है। क्या टूटती है और काम आती है? हम तो तोड़ते हैं, घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। अभी तक तो आपके घर वालों ने आपको नहीं निकाला होगा तोड़ने पे। चलिए मैं बता दें फिर आपको। आपको नहीं आता, हार मान रहे हैं आप? हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज की अभी होगा। आप तो सवाल सुन के परेशान होगी। बिल्कुल, क्योंकि सवाल की कोई सेंस ही नहीं होती ना। अच्छा, जो टूटने वाली काम, अंडा। अंडा आई गेस, अंडा टूटता है तो वो पका के खाते हैं तो वो काम आता है। देखा, मैंने कहा था ना आप कामयाब हो जाएंगी, ये सही जवाब है। ये तो हमारे सवाल की खासियत है कि आप कुछ भी बोलेंगे ना तो वो आपके जवाब सही निकलेगा। ये पता नहीं, आई डोंट नो, ये वाकई सही जवाब है? सही जवाब है, ठीक है जी, शुक्रिया। हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रही हैं? आपने एक सवाल का जवाब अच्छा दे दी, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। फनी क्वेश्चंस हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दे ही दिया, वो इंतहाई फनी, आई डोंट नो वो मेरे माइंड में आया कैसे, लेकिन वो एक्चुअली जैसे वो आपको बोल रहे होता कि वो पॉइंट आउट करती है वो चीज़, शायद ये इजी था कि शायद ये थोड़ी सेंस बन रही थी, इस वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे समझ आ गया, अदरवाइज तो बाकी सारे तो ऐसे ही नो। मतलब ये थोड़ा लॉजिकल था, इस वजह से आपको समझ आ गई। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमारे सवाल का जवाब है अंडा, जो तोड़ने के बाद ही हमारे काम में आता है।